हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग गुरुजी सैमसन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विशेष रूप से एक मैसेज का जवाब देने के लिए आया हूँ। जी हाँ, वो जवाब है काइन मास्टर में वीडियो को मैं किस प्रकार से एडिट करता हूँ, वो भी मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, काइन मास्टर में एडिट करना थोड़ा शुरू में कठिन लगता है, लेकिन इसके बाद बहुत ही आसानी से आप इजी तरीके से कर सकते हैं मेरे समान। इसका लिंक मैं नीचे में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कीजिए फटाफट और शुरू हो जाइए मेरे साथ में। चलिए सीखने चलते हैं। इससे पहले रुकिए, जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले फ्रेंड्स जो नए हैं हमारे वीडियो पे, और जिन्हें वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट, लाइक तो बनता है यार, मेहनत बहुत करते हैं यार, लाइक तो बनता है, तो ठोको लाइक। और जो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, और आइए देखते हैं। चलिए आगे, तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने काइन मास्टर में। अदमें डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर बीच वाला बड़ा वाला बटन जो दिख रहा है इसको दबाइए, और इस प्रकार से रेशियो मिलेगा आपको। और 16:9 का रेशियो में यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया जा सकता है, और 9:16 में ये शॉर्ट वीडियो बनाया जा सकता है, और 1:1 ये फेसबुक वगैरह के लिए एकदम छोटे से क्लिप वीडियो बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं 16:9 में, इसको टच करते हैं और इस प्रकार से हमारा ये खुल जाता है। अगर हमको बैकग्राउंड वाला चाहिए तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड मिलेगा आपको, और आपने फेवरेट कोई वीडियो यहाँ छुपा के रखा है, फेवरेट बना के रखा है, तो आपको फेवरेट वीडियो मिल जाएगा। अगर आप फेवरेट नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल से आप अटैच करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि अपना एक वीडियो कोई सा भी एक ले लिया जाए, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया एक गेमिंग का वीडियो, ये देखिए दोस्तों, ये गेमिंग का पूरा वीडियो मेरे पास में है और जो आ चुका है मेरे पास में। तो इस प्रकार से हम सीधा यहाँ पर आ गए। अब ये वीडियो को मैं थोड़ा चला करके देखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर एक प्ले बटन है, प्ले बटन को हम दबाते हैं, चला करके तो इस प्रकार से ये वीडियो चालू हो जाता है। तो मान लीजिए इस वीडियो में अब करना क्या है, इसको एडिटिंग कैसे करना है। तो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है एडिटिंग के लिए, तो चलिए मैं इसको बता देना चाहता हूँ। एडिटिंग के लिए आपको देखिए सबसे पहले ये वीडियो जो चल रहा है हमको इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इरेज का बटन आता है, यानी कि इसको कटिंग का, कटिंग कैसे करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से ले लिया, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिम किया, यहाँ पर क्या किया इसको ये साइड का हटा दिया, तो वहाँ से हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं, चलिए ये यहाँ पर खेल रहा है, चलिए ये वीडियो ठीक है। अब यहाँ से मुझे पीछे का नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको पीछे का वीडियो को, ये सेकंड वाला है जो पीछे का वीडियो हट जाएगा पूरा, तो हमको बस इतना ही वीडियो मिलेगा अभी, ये देखिए है ना। तो मान लिया अगर गलती से अगर कट गया है तो इसको वापस कैसे लाए, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे आपको मिलता है ये रहा बैक्स ऑप्शन, इसको बैक कर दीजिए, आ गया वीडियो आपका। तो मान लिया हमने यहाँ से वीडियो हमको यहाँ तक चाहिए, ठीक है, चला करके देखिए तो यहाँ यहाँ तक चाहिए। उसके बाद में हमको ट्रिम करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर का ये करेंगे ट्रिम। तो यहाँ पर ट्रिम किए, उसके बाद देखिए ये प्लस का निशान आ गया, अब हमको यहाँ से यहाँ तक का वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है, ये देखिए ये वीडियो हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पर देखिए या एरोप्लेन का चाहिए हमको, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको फिर से आगे का हिस्सा को हटा देंगे। तो ये देखिए हम डायरेक्ट यहाँ ये खेलते खेलते और ये सीधा ट्रिम होकर के या एरोप्लेन तक आ गया। तो अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ आवाज़ आ रहा है, तो आवाज़ को ख़त्म करने के लिए फिर से इस वीडियो को टच करेंगे, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर यहाँ पे बना हुआ है हमारा, ये म्यूट कर दीजिए और ऑडियो को, ठीक है। देखिए ये आगे का चल रहा है, आगे को भी हम म्यूट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कट है, अब यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आएगा दोस्तों। देखिए आवाज़ ख़त्म हो गया, तो अब हमें ये प्लस के निशान में कुछ डिज़ाइन डालना है। तो दोस्तों जैसे ही हम प्लस का निशान में टच करते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, तो हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को अपना ले सकते हैं। जैसे मान लिया कोई भी डिज़ाइन हमको पसंद आ गया, मान लिया इस प्रकार का डिज़ाइन है, देखिए बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइन है, इस प्रकार से डिज़ाइन है, तो आप कोई भी डिज़ाइन देखिए इस प्रकार से आएगा, तो आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ ले सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से आ गया डिज़ाइन। मान लिया हमको एक नीचे में अपने अपने वॉइस का लेयर डालना है,
तो क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर ये देखिए लेयर है, यहाँ पे क्या करेंगे, वॉइस का लेयर डाल देते हैं, अपना ही वॉइस का लेयर डाल देते हैं। इस वीडियो को म्यूट कर दिया, अब यहाँ से चालू तो इसको स्टार्ट कर देंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ में गेम खेलोगे? जी हाँ, मैं भी खेलना चाहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ में आइए, हम लोग साथ में मिलके गेम खेलते हैं। चलो अब एरोप्लेन में उड़ते हैं। एरोप्लेन हमको कहाँ पर उतारेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको स्टॉप कर देना है। तो अब देखिए, हम इसको सुन करके देखते हैं। तो ये देखिए, हम इसको देखिए, कभी भी लेयर पर टच करेंगे तो यहाँ लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो हमको क्या करना है, लेयर से बाहर को टच करना है, यानी कि लेयर के बाहर टच करना है, यानी खाली जगह में टच करना है। तो ये लेयर से बाहर आ जाएगा, तो फिर हम इस वीडियो को अब चलाएंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ में गेम खेलोगे? जी हाँ, मैं भी खेलना चाहूँगा। ओवर उसके बाद में हमको म्यूजिक भी चाहिए, तो हम म्यूजिक वाले को टच करते हैं। और म्यूजिक के लेयर को टच करने के बाद में आप यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अभी मेरा नेट ऑफ करके रखा हूँ इसीलिए यहाँ पर, नहीं तो यहाँ टच करने पर आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो हम मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो यहाँ म्यूजिक वाले में हमको म्यूजिक का यहाँ टच करेंगे, और देखिए यहाँ पर मैंने म्यूजिक डाउनलोड कर लिया है यहाँ से, काइन मास्टर से। तो यहाँ फ्री म्यूजिक बहुत सारे मिल जाते हैं, तो फ्री म्यूजिक चलिए इसको डाल देते हैं, सुन करके देख सकते हैं, ये बढ़िया है। चलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, प्लस का आइकन दबाया और ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए साथ में म्यूजिक चलेगा। तो इसका म्यूजिक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो म्यूजिक का वॉल्यूम को हमको थोड़ा सा कम कर लेना है। किस प्रकार कम करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर म्यूजिक को टच करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम का। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कम सुनाएगा, मेरी वॉइस अच्छी आएगी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ में गेम खेलोगे? तो ये थोड़ा सा कम हो गया, तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। खेलना चाहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ में आइए, हम लोग साथ में मिलकर गेम खेलते। चलो अब एरोप्लेन में उड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा दोस्तों। अब मान लिया ये एरोप्लेन के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ इमेजेस चाहिए या कुछ दूसरा वीडियो भी ऐड करना है किसी दूसरे जगह का, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये लेयर में टच करूँगा। यहाँ लेयर में टच करने के बाद में मैं यहाँ देखिए मीडिया इफेक्ट, और यहाँ पर कुछ क्लिप्स मिल जाएगा, यहाँ टेक्स्ट लिखने का, यहाँ पर ड्राइंग मिल जाएगा कुछ। तो मैं मीडिया में जाता हूँ और एक वीडियो ले लेते, रिवर का वीडियो ले लिया, ठीक है? ये देखिए एक रिवर का वीडियो ले लिया है, और इस प्रकार से तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमको इसका वॉइस भी आ रहा है बहुत तेज़ी से, तो मैं इसे क्या करूँगा, अब इसको देखूँगा ये कहाँ तक अच्छा है। तो देखिए मैं इस रिवर को यहाँ से कट कर दूँगा इसको पहले। तो इसको कट करने के बाद में आप खाली जगह में यहाँ टच कीजिए, खाली जगह में टच करने के बाद उस वीडियो को टच करके आगे बढ़ाइए, इसको पकड़े रहिए, दबा करके ऐसे रखिए और इसको आगे धकेलिए, तो इस प्रकार से ये आगे चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ सेट करना है वहाँ पर रख दीजिए आप इसको। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये अचानक से ये रिवर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ आ गया। तो दोस्तों मुझे ये वीडियो इतना ही चाहिए था, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा और थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर टच करके फिर इसको ट्रिम करके पीछे का बाकू उड़ा दूँगा पूरा। तो इतना से इतना वीडियो मेरा बीच में, इसको और छोटा कर लेता हूँ, इसको और ट्रिम करके काट लेता हूँ, तो ये छोटा सा वीडियो हमको क्लिप बीच में मिल जाता है। तो ये वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है, बीच में अड़ंगा टाइप का आ गया है। तो मैं इसे क्या करूँगा दोस्तों, इसको टच करूँगा नीचे वाला लेयर को, उसके बाद में ये जो बीच का ऑप्शन जो दिख रहा है ना कैंची के बगल में बीच में, इस ऑप्शन को पकड़ूंगा और इसको फुल वीडियो कर लूँगा। देखिए ये फुल वीडियो हो गया दोस्तों। तो इसको जैसे सेट करना है आप उसको आराम से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फुल वीडियो में अब इस प्रकार से चलेगा, ये नदी में उतारेगा, ये एरोप्लेन लग रहा है। तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। तो कहना मज़ा, तो ये भी अच्छा सा नहीं लगा। तो हमें क्या करना है कि इसको ना एक एनिमेशन दे देना। एनिमेशन देंगे तो देखिए किस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से लगेगा कि हाँ ये नदी में उतारेगा आप। इस प्रकार से हम दे सकते हैं, तो इस प्रकार से दे दिए तो एनिमेशन एक डाल दिया। देखिए सुंदर सा आया, ये नदी में उतार रहा है। इसका वॉइस ज़्यादा है, तो इसको हम टच करके इसको फिर से वॉइस वाले बटन को दबाएंगे, इसका वॉइस को कम कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से नदी का वॉइस ज़्यादा आ रही थी, अब कम आएगी। अगर वॉइस को जैसे मान लिया, अगर वॉइस को चेंज करना है कोई भी वजह, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ बोला हुआ था, तो
मैं यहाँ पर बच्चे के रूप में बोलना चाहता हूँ, मतलब एकदम वॉइस मेरा थोड़ा अजीब सा लगे, तो वॉइस चेंज का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। वॉइस चेंज का ऑप्शन है, यहाँ देखिए कोई भी एलियन टाइप का आप डाल सकते हैं। हाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग, तो इस प्रकार से आप वॉइस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। हाय दोस्तों कैसे हैं आप। चलो मान लिया यहाँ पे किड डाले बच्चे। हाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ में गेम खेलोगे? तो इस प्रकार से आप ओके कर दीजिए इसको। तो ये देखिए यहाँ से ये सेट हो गया, तो ये वॉइस भी चेंज हो गया। हाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस प्रकार से आप अगर कोई म्यूजिक को डालते हैं, मान लिया ये म्यूजिक है कोई, तो इसको भी आप वॉइस चेंज करके, वॉइस की आवाज़ को चेंज करके और कट पिट करके आप इसे, आप कॉपीराइट से बच सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया रोबोट टाइप का डाल दिया, तो इसे कंप्यूटर नहीं पकड़ पाएगा। मेरे साथ में गेम खेलोगे? मान लिया जी हाँ, मैं भी ओके कर देते हैं। तो ये म्यूजिक जो बज रहा था बहुत सुंदर था, इसका साउंड एक अलग सा आ जाएगा देखिएगा। तो ये म्यूजिक को कंप्यूटर नहीं पकड़ पाता है दोस्तों, और इस प्रकार से मतलब कि आपको कॉपीराइट से भी बचा जा सकता है। तो इसको फिर से वो हम वापस करना है, तो ये टच कर दीजिए, वो वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वापस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ फ़ोटो, अब क्या क्या लेयर आता है ये देखिए। अब मान लिया मुझे यहाँ पर टेक्स्ट भी चाहिए है ना, मान लिया यहाँ पर एक क्लिप चाहिए कि इस क्लिप में मतलब मुझे एक लाइक और कमेंट मिलना चाहिए। तो ये क्लिप में मैं यहाँ टच करूँगा, यहाँ पर क्लिप में देखिए ये घंटे का बटन है, इसको दबा दो, इसको ले आऊँगा। और ये क्लिप को हमने दबाया और इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर किनारे पे थोड़ा सा आगे करके यहाँ किनारे पे छोटा सा सेट कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए ये क्लिप भी कितना सुंदर से आएगा अभी, ये देखिए। तो अब दूसरा क्लिप चाहिए दोस्त, अच्छी तरह से दिखाना, मान लिया ये सीन को हमको दिखाना है ठीक है, एरोप्लेन को हमको कुछ दिखाना है। तो यहाँ पर क्लिप करेंगे, उसके बाद में क्या है, यहाँ एक सैम्बुल ले लेंगे, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक एरो सा दे देंगे, ये देखिए हाथ वाला, हाथ वाला दे देंगे। और ये हाथ वाला है तो ये क्लिप को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उसके बाद में इसको हम राउंड फिगर कर देंगे, ऐसे कर देंगे या ऊपर दिखाएंगे इस प्रकार से। ये देखो दोस्तों ये एरोप्लेन है, तो इस प्रकार से ये क्लिप काम करेगा, ये देखिए है ना। अगर क्लिप को थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा सकते हैं ऐसा टच कर। तो इस प्रकार से आप, तो देखिए मान ली यहाँ पर भी मुझे कट करना है, तो फिर से एक कट कर दीजिए, यहाँ सेंटर कट कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ भी कुछ मुझे डालना है तो यहाँ एक नया सा डिज़ाइन दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप बढ़िया बढ़िया यहाँ डिज़ाइन है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मान ली यहाँ 3D देना है, तो इस प्रकार से ये कांच की तरफ फूटेगा, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से क्लिप के बाद में, ये देखिए। तो इस प्रकार से एडिटिंग किया जाता है दोस्तों, मैं इसी प्रकार से एडिटिंग कर, मान लिया ये थोड़ा सा कलर फेड करना है आपको, तो क्या करना है, यहाँ देखिए कलर फिल्टर का ऑप्शन है, आप कोई भी दूसरा कलर आप आपकी मर्ज़ी से, आपके हिसाब से, आप जैसे भी बनाना चाहे, इस प्रकार से आप जैसे भी बनाना चाहे आप ले सकते हैं। इसको बस ओके कर देना है, देखिए अब ये ऐसे करते करते ये कलर इसका चेंज हो जाएगा यहाँ से देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मान लिया आगे का कलर हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर टच किए और क्या किए, यहाँ एक कट मार लेते हैं ठीक है, ट्रिम कर। यहाँ कट मारने के बाद इसको इस साइड का कलर हमको नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए हमको। तो यहाँ पर टच करने के बाद में हमने क्या किया, उसी फिल्टर में गए और इसको नॉन कर दिए, क्या किए, नॉन कर दिए नॉन। तो ये देखिए पुराना रूप में आ जाएगा, ये देखिए। अब हम जानते हैं दोस्तों इसका स्पीड को बढ़ाना है, मान लिया इसका ये जैसे उतर रहा है तो हमको ये थोड़ा धीमे उतर रहा है, थोड़ा सा हमको स्पीड चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको टच करने के बाद में ये स्पीड वाला बटन को दबाएंगे और यहाँ पर 150 1.5 या फिर 2 से ऊपर का नहीं जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 नीचे रखेंगे, यानी कि 2 से 1 नीचे रखेंगे। अगर हम ज़्यादा इसमें काइन मास्टर में ज़्यादा वो खींच नहीं पाता है, ज़्यादा और स्पीड नहीं हो पाता है, देखिए ये वीडियो आपका स्पीड हो चुका है। देखिए इसको भी हमने जैसे मान लिया, इसको भी हमने इसको स्पीड कर दिया है, तो ये देखिए स्पीड का मज़ा कैसा है, देखिए ये देखिए बड़ी तेज़ी से उतरने लगे बंदा है ना।
तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसका हम वॉइस खोल लेते हैं तो देखते हैं, देखिए क्या बोलता है, है ना। हमने यहाँ पर तो स्पीडो बढ़ा दिया है, तो देखिए तो इस प्रकार से आपका स्पीड भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसको हम फिर से म्यूट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लेयर कितना भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखने की आती है बारी, तो हम यहाँ चलिए अपने चैनल का नाम लिख देते हैं दोस्तों, टूनसन। देखिए यहाँ पर मैंने हैशटैग गुरुजी सैमसन दे दिया है, तो ये देखिए इस प्रकार से, और ये देखने में एकदम सिंपल सा दिख रहा है। देखिए ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आ गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कलर डालते हैं। तो इसी जिस चीज़ को हमको काम करना है उसको टच करना पड़ेगा। तो इसको हमने टच किया और यहाँ पर देखिए एक वाइट वाइट दिख रहा है कैंची के बगल में, तो हमको इसको टच करना है। यहाँ देखिए कलर आ गया, ये बीच वाले को यहाँ पर ले आना है। और कोई भी कलर किनारे वालों को किधर भी कोई भी कलर चाहिए आपको वो कलर में डाल दीजिए। जैसे मान लिया यहाँ पिंक, और यहाँ पर कर दिए ये देखिए ये बीच वाले को यहाँ पर मटमला कलर, इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए मटमला कलर आ गया। तो अब इसको ये दिखाई नहीं रहा है, साइड लेयर हमको चाहिए। तो साइड लेयर के लिए देखिए आउटलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, आउटलाइन को हम इसको ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिखने लग गया है ये आउटलाइन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अभी देखिए इस प्रकार से ये बहुत सुंदर से इस प्रकार से आएगा। तो इसमें ये डिज़ाइन आ रहा है, तो इसको हम और थोड़ा सा यहाँ सेंटर में रखते हैं, अच्छा लगेगा। तो इसको हम क्या करें, इन एनिमेशन कर देते हैं। तो एनिमेशन देंगे तो और भी सुंदर लगेगा ये। चलिए इस प्रकार से दे दिया हमने, है ना। ये देखिए ये ड्रॉप कर देते हैं इसको सीधा, और ऊपर से गिरेगा ये। ये देखिए ये देखिए इस प्रकार से आया, ठीक है दोस्तों। तो ड्रॉपिंग हो गया, अगर मान लिया ड्रॉपिंग नहीं, हमको इंडिकेट चाहिए। तो इसका ओवरऑल एनिमेशन मतलब कर दीजिए, इसका ब्लैंक करते रहेगा ये जब तक चले, जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा, ये ब्लिंक करते रहेगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से कुछ बहुत सारे एनिमेशन हैं, आप यहाँ पर देख देख के करते करते आप सीख सकते हैं। मान लिया अभी हमको यहाँ पर चलता फिरता एक वीडियो चाहिए, ठीक है। मतलब ये गुजरेगा एक लाइन से, इस प्रकार से ऐसे लाइन से गुजरेगा। तो यहाँ पर मैंने टी को टच किया और यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, है ना, कुछ भी टाइप कर दिया दोस्त। देखिए इस प्रकार से मैंने टाइप कर दिया, अब ये वीडियो चलने लग जाएगा हमारा। चलिए इसको भी कलर हम बदल देते हैं, चलो इसको ब्लू लेयर डाल देते हैं बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद में आउटलाइन भी खींच देते हैं इसको बहुत बढ़िया से। ये देखिए इस प्रकार से, अगर इसको हमको इसके ब्रैकेट में हमको ब्लैक लाइन चाहिए, तो यहाँ नीचे में देखिए बैकग्राउंड कलर को इसको हम ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऑल फुल लाइन में चाहिए तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से बहुत अच्छा है। तो अब इसको हमको चलता फिरता एक वीडियो बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कहाँ तक चलता फिरता रहना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस लेयर को टच करेंगे, उसके बाद ये लेयर को अपना यहाँ पे ले आएंगे आप, या यहाँ ऊपर में कहीं भी आपको जहाँ चलाना है मर्जी है वहाँ ले आइए। तो हमको यहाँ पे चलाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको टच करेंगे पहले, और देखिए यहाँ पर एक लॉक का बटन दिख रहा है, ये रहा। तो ये लॉक का बटन को हम दबा देते हैं, ठीक है। लॉक का बटन दबाने के बाद में यहाँ देखिए एक बिंदु सा आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए लॉक का बटन एक बिंदु सा आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पकड़ करके हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा खींचने के लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको यहाँ खाली जगह में पकड़ करके इस प्रकार से सरका लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पकड़ करके इस प्रकार से खींच देना है, इस प्रकार से पूरा खींच करके इधर पूरा इधर पार कर देना, और यहाँ ऊपर में दिख रहा है ये बटन, इसको ओके कर देना। तो देखिए ये चलता फिर तो वीडियो बन जाएगा, ये देखिए कितना सुंदर तरीके से चल रहा है। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, इसमें लेयर पे लेयर आप डाल सकते हैं। तो कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं एक सुंदर सा क्लिप ले लूँगा, यहाँ वीडियो में देखता हूँ कहीं पर अच्छा सा क्लिप मुझे मिल जाए। मान लिया एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो ही चाहिए मुझे, तो क्या करूँगा मैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्लिप का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन को दबाइए और कैप्चर एंड सेव, है ना, इसको ऐसे कर दिया तो ये कैप्चर में आ गया, है ना। और इसको दबाते हैं, मान लिया इसको हमको क्लिप बनाना है एकदम फर्स्ट लेयर फर्स्ट में, है ना। कैप्चर एंड ऐड लेयर, यानी कि आप अगर इसको ऐड लेयर करते हैं तो नीचे एक और ऐड लेयर बन जाएगा इसका, इसी क्लिप का। तो हमको ऐड लेयर नहीं बना करके हमको इसको ऐड क्लिप बनाना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्लिप आ गया, बीच में क्लिप आया दोस्तों, ये देखिए जहाँ पर मैंने क्लिक किया था, देखिए खड़ा हो गया। तो ये क्लिप मुझे ना एंड में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, इसको
पहले खाली जगह में टच कीजिए, उसके बाद इसको टच करके सीधा इसको एकदम फ्रंट में ले आइए, एकदम यहाँ टच कीजिए, ये फ्रंट में देखिए, ये फ्रंट में यहाँ पर ले आए। तो अब हमको इसको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि हमको इसको क्लिप बनाना है। थोड़ा सा यहाँ इसको टच करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिप ग्राफिक्स, क्लिप ग्राफिक्स में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, आप या तो अपने नाम वाला ग्राफिक्स दे सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आएगा, है ना, जैसे इस प्रकार से आएगा, ये देखिए इस प्रकार से आएगा वो क्लिप, ये देखिए चलने में कितना अच्छा दिखता है, ये देखिए इस प्रकार से। आप इसमें टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आप इसी क्लिप्स में अपना यहाँ टाइटल में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी अपना लिख दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो ये क्लिप कैसा लगा, और मान लिए ये क्लिप हमको पसंद नहीं आया तो हमको लिखावट में चाहिए इस प्रकार से चाहिए, या इस प्रकार से चाहिए, या इस प्रकार से चाहिए, या इस प्रकार से चाहिए, आप कोई भी क्लिप्स यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमको ये क्लिप्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये क्लिप्स नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिवर्स 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 करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया, तो ये क्लिप्स में मुझे एक डिज़ाइन चाहिए, एक क्लिप में मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो क्या करूँगा मैं क्लिप ग्राफिक्स में टच करूँगा और एक सुंदर सा डिज़ाइन यहाँ खोजूँगा। मान लिया ये देता हूँ, ये देखिए, ये भी मज़ा नहीं आया, ये देखिए ये बढ़िया क्लिप है, और यहाँ पर कुछ टाइटल दिखाया तो टाइटल यहाँ पर कुछ भी लिख दो, है ना, अपना टाइटल दे दो। तो इस प्रकार से ये खुलेगा, देखिए इसको छोटा कर लीजिए क्लिप, क्योंकि छोटा ही रहना चाहिए थोड़ा देर के लिए, 2-3 सेकंड के लिए। तो इस प्रकार से ये आएगा, और मान लिया ये वीडियो को हमको लेयर बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमको देखना है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला बटन जो है इसको हम दबाते हैं, देखिए ऊपर हो गया, यहाँ पर वीडियो चलेगा, है ना, यहाँ बाहर में टच कीजिए, यहाँ से वीडियो चलाइए इसको, देखिए यहाँ आपको वीडियो दिख रहा है और ऊपर में लेयर चल रहा है, आप जितना भी ज़्यादा लेयर यूज़ कर सकते हैं यहाँ। तो इस प्रकार से आप चला सकते हैं दोस्तों, फिर से इसको ऐसे कर दीजिए वो नीचे आ जाएगा अपना, है ना। तो इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि आप आउट लेयर, इन लेयर, ग्राफिक्स, और यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, फ्लैक्स डाल सकते हैं, देखिए फ्लैक्स का भी बहुत अच्छा सा है, ये देखिए ये वाला फ्लैक्स डाल दिए बीच में, ये फ्लैक्स मुझे चाहिए एकदम अंत में या तो फर्स्ट में चाहिए, तो हमको जहाँ चाहिए, देखिए खाली लाइट जगह में टच कीजिए, इसको पकड़ करके खसका के लाइए, ये देखिए यहाँ से फ्लैक्स चलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार से काइन मास्टर को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखते हैं ये बीच वाला क्या है, बीच वाला ये है, देखिए दोस्तों ये कैमकॉर्डर है, तो यहाँ पर देखिए कैमकॉर्डर आपका चालू हो जाएगा, आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ कैमरा चाहिए तो कैमरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम मीडिया फाइल में जाते हैं, तो यहाँ मीडिया ले लेते हैं, यहाँ लेयर है, लेयर में इतने सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वॉइस के लिए है, आप वॉइस कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अपना ऑडियो बना सकते हैं, इसके बारे में हमने जान गया है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप किसी प्रकार से अगर कुछ लेयर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पर जाइए, आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस वीडियो को सेव कैसे करें। जी हाँ, इसको सेव करने के लिए हम सीधा इसका यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से, उसके बाद में एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, तो देखिए फ्रेम रेट 60 में मैं करता हूँ, 50 में भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए रिलेशन आपको 720 पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छा HD क्वालिटी आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका और अच्छा क्वालिटी HD में हो तो 1080 पिक्सल आप ले सकते हैं, तो इससे आपका MB भागेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ 720 में, 720x60 रेशियो लेता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बीट रेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको बीट रेट को करता हूँ 400-450 के बीच में बीट रेट को सेव करता हूँ, ठीक है। तो 400-500 के बीच में अगर बीट रेट रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है, अगर ज़्यादा रहेगा तो MB भी बहुत ज़्यादा खाएगा इस हिसाब से। तो अब इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपका एक्सपोर्ट होना चालू हो जाता है। एक्सपोर्ट होने के बाद में आपका वीडियो हो जाता है तैयार। यहाँ दोस्तों इसे बंद मत कीजिएगा, इसको एक्सपोर्ट होने दीजिएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो आपका किस प्रकार से चलता है। ये देखिए वीडियो
इस प्रकार से चलेगा आपका। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ में गेम खेलोगे? सच्ची जाएगा। देखिए तो एक्सपोर्ट होने के बाद में वीडियो इस प्रकार से बन जाता है। तो उसके बाद में यहाँ शेयर करके आप YouTube में डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर सेव फाइल कर सकते हैं, या आपको पसंद आए तो डिलीट फाइल भी कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको काइनमास्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। नए जितने भी दोस्त लोग हैं सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है काइनमास्टर के बारे में, या किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब सही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो #Guruji Samson जी? हाँ दोस्तों, अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक और कमेंट एंड शेयर तो बनता ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो बहुत सारे हम लाते रहते हैं, और कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ठोको लाइक #Guruji Samson।